हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन होम। इस वीडियो में मैं आपको जिस कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा उसका नाम है BPED यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम बात करेंगे BPED क्या है, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, या फीस कितनी देनी पड़ सकती है आपको BPED करने के लिए, और BPED करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक पूरी देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं BPED क्या है। BPED यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो रिलेटेड है हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स से। ये कोर्स उन इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं। BPED की ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। BPED में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ साथ आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर का BPED भी है जो आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं, जैसे LNIP ग्वालियर से या LNIP NERC गुवाहाटी से। दोस्तों BPED में एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी और एडमिशन प्रोसेस भी अलग अलग है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन लेती है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने पर डायरेक्ट एडमिशन ले लेती हैं। अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो एंट्रेंस में होता है रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट का वेटेज भी दिया जाता है और इंटरव्यू भी होता है, और फाइनल एडमिशन के लिए कैंडिडेट का मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहां एंट्रेंस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ फिजिकल टेस्ट और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस पर एडमिशन हो जाता है। तो निर्भर करता है आप किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं। अगर आप BPED में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वहाँ का पूरा एडमिशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं BPED के टॉप कॉलेजेस की। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस के नाम, जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज न्यू दिल्ली, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई, और इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं BPED कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। फीस इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है। अगर एवरेज फीस देखी जाए तो BPED की फ़ीस आपको 15,000 से 80,000 के बीच देनी पड़ सकती है, और 80,000 से ज़्यादा भी हो सकती है कुछ जगह। अब बात करते हैं BPED के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। दोस्तों BPED करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स कोचिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोटर, स्पोर्ट्स मेडिसिन वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं इनसे अलग भी, और इनसे अलग बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं BPED करने के बाद। BPED के बाद आप MPED भी कर सकते हैं और उसके आगे आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों BPED के बारे में मैं आपको सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर कोई पॉइंट बताने से छूट गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए अगली वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें,
शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।